शाहरुख खान की जो फिल्म थी बादशाह, उसका एक गाना था मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, वो इस पार्क में पिक्चराइज हुआ है। तो जनाब ये है यहाँ का ओपरा हाउस का टेंट लग रहा है। ये बारिश यहाँ पे हो रही है मुसलसल, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा ये टाइगर जो है इसकी यहाँ पे ये थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये जो था ये डोनेट किया था इन्होंने ओस्लो की 1000 साल पूरे होने की जुबली पे। हाँ तो जनाब सारा सामान गाड़ी में लोड हो गया है और आज से हमारा 1 हफ्ते का नॉर्वे का ट्रिप स्टार्ट हो गया है, जहाँ पे पहली लोकेशन हमारी है ओस्लो। लेकिन जाने से पहले एनशॉपिंग में सागर रेस्टोरेंट पर रुक कर कुछ चीज़ें पिक करनी थी। अच्छा जी, पहला स्टॉप हमारा ये है एनशॉपिंग रेस्टोरेंट में, यहाँ पे रुक के ये सागर रेस्टोरेंट में रुके हैं। यहाँ पे अभी हम लोग थोड़ा सा यहाँ से चीज़ें वीज़ें ले कर मज़ीद और आगे अपने सफ़र की जानिब निकलेंगे नॉर्वे की तरफ। कुछ घंटे की मुसलसल ड्राइव के बाद एक रेस्ट प्लाज पे रुक के थोड़ी सी टांगे सीधी करी और कुछ ड्रोन फुटेजेस ली। हम लोग कार्लस्टाद के पास से गुजर रहे हैं, ये इकिया है यहाँ का कार्लस्टाद का, और ऑन द वे टू ओस्लो। अभी रास्ते में रुक के कहीं नाश्ता वगैरह भी करेंगे, सैंडविचेस हम लोगों ने साथ में लेके जा रहे हैं। माशाल्लाह से व्यूज चेक करें बस, अभी काफ़ी धुंध सी है लेकिन शायद कैमरे में नहीं आ रही हो, लेकिन जो ओरिजिनल व्यू है वो बहुत ही प्यारा है। अब ये सीन ये है कि अब हम एक घोड़ों के स्टबल में आए, घोड़ों के स्टबल में सैंडविच एंड चाय। जी मैम, आप बताएं कैसे लग रहे हैं आपको सैंडविच? मैं तो शामी कबाब का सैंडविच खा रहा हूँ। शामी कबाब का सैंडविच बहुत मजे का है, ये तो हमें मिला ही नहीं है। ले लीजिए, मैं लेता हूँ। अच्छे बने सैंडविच, अच्छे बने। लोग अपने अपने घोड़े वगैरह लेके जा रहे हैं और यहाँ पे सारे खड़े हुए घोड़ों को गौर गौर से देख रहे हैं। ये देखिए घोड़े ने मुझे इतनी खतरनाक लुक दिया कि मुझे भी डर लग गया। ओ ये देखिए पीछे से, ये देखिए घोड़े। यहाँ पे घोड़ों की रेसिंग वगैरह होती है, पूरे दिन काली घाटा रहेगी तो आप टेंशन नहीं लेंगे। काली घाटा तो आपने, तो अब चलेंगे दूसरी जगह पे। ओस्लो जो है वो यहाँ से तकरीबन 150 किलोमीटर ही रह गया, अब करीब ही है नॉर्वे, तो ये स्वीडन के हम तकरीबन एंड पे ही हैं। तो आगे कहीं रुकेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और उसके बाद फिर चलेंगे अपनी डेस्टिनेशन पे, वो है ओस्लो सेंट्रल। यहाँ से नॉर्वे शुरू हो चुका है, स्वीडन का एंड है और नॉर्वे का स्टार्ट है। ये देखिए ये नॉर्वेजियन में मार्कर कम्यून है, पहली कम्यून है नॉर्वे की। और यहाँ के बॉर्डर में ऐसा नहीं है कि आपको बॉर्डर चेक है, कंट्रोल है, पास है। स्वीडन से नॉर्वे कब आप घुसते आपको पता भी नहीं चलता। ये देखिए कैसे खूबसूरत खूबसूरत विंड टर्बाइन, सब खूबसूरत मंजर है। अच्छा जी, तो अभी हमने ये बॉर्डर क्रॉस किया है स्वीडन से नॉर्वे का, तो अभी हम नॉर्वे की प्रीमिसेस में आ गए हैं। ये नॉर्वे का और गुस्से के साथ ही यहाँ पे सबसे पहले एक रेस्ट प्लेस है, ये टॉयलेट्स वगैरह बने हुए, तो यहाँ पे ज़रा बैठ के थोड़ा सा रिलैक्स वगैरह करेंगे। वेलकम टू नॉर्वे। अच्छा जी, गाड़ी पार्क कर दी है यहाँ पे ओस्लो में और अभी हम लोग इस टाइम ओस्लो सेंट्रल के आसपास का ही इलाका है। ओस्लो में बेसिकली नॉर्वे जो है वो बहुत महंगा है, तो अभी हम लोग गए थे एक पार्किंग प्लेस में
जहाँ पे आधे घंटे की पार्किंग थी 60 नॉर्वेजियन क्राउन। तो आप इमेजिन करें कि अगर हमने यहाँ पे 4-5 घंटे गुजारने हैं तो कितनी एक्सपेंसिव है। तो अभी हम लोग यहाँ से थोड़ा सा 10-15 मिनट की वॉक है सिटी सेंट्रल से, वहाँ यहाँ आए हैं, यहाँ पे गाड़ी पार्क करी है, फिर भी पार्किंग जो है वो 200 क्राउन्स की है, वो भी अभी टाइम हो रहा है 11 बजे, यानी कि 3 घंटे की पार्किंग। तो ये भी महंगी है, लेकिन एनीवे और कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे आसपास, तो पार्क करनी पड़ेगी। तो चलते हैं ज़रा थोड़ा सा सेंटर वगैरह घूमते हैं और मज़ीद देखते हैं क्या है आगे। ये भी यहाँ का ओल्ड टाउन टाइप का है, ये लक्ष्मी सोफ़ा हाउस है, ये कोई अरबी रेस्टोरेंट है, इसके बराबर में ही ये एक इस्लामिक कल्चरल सेंटर नॉर्वे है, यहाँ की मस्जिद। और अभी हम लोग जो वॉक कर रहे हैं यह ओस्लो बस टर्मिनल है, इसकी तरफ वॉक कर रहे हैं। तो चलते हैं मज़ीद और देखते हैं आगे। यह है ओस्लो का बस टर्मिनल और ये देखिए यहाँ पे ये रोटियाँ वगैरह बन रही हैं, सॉरी ब्रेड्स वगैरह हैं डिफरेंट। ये सारा सिटिंग स्पेस है, आगे बसेस वगैरह हैं, बस टर्मिनल है ये, चलेंगे। और ये है मेरे साथ मसूद भाई, घूम रहे हैं। तो फिर अभी ऊपर चलेंगे, फैमिली से मिलेंगे, फिर आगे देखते हैं क्या करते हैं आगे जाके। टॉयलेट्स की बारी चल रही है और ये देखिए नॉर्वे इतना महंगा है कि यहाँ पे बाथरूम जाने के भी 20 क्रोन है, यानी कि पाकिस्तानी 500 रुपये का बाथरूम है, 600 का बाथरूम है। अच्छा जी, ये है फेमस ओपरा हाउस और काफ़ी अंदर से भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है, देखेंगे आपको भी दिखाएंगे बाद में। ये इस तरह यहाँ पे वॉकिंग का है, लोग वॉक कर सकते हैं, लंबी सी स्ट्रीट टाइप की है ओपरा हाउस। और ये साथ ही इसके पानी है सारा, ये देखिए नीचे डक्स वगैरह हैं। और ये है जनाब ओपरा हाउस। तो अभी अंदर भी चलते हैं और देखते हैं इसका, अब इसके अंदर जाते हैं और अंदर चल के देखते हैं कि ये अंदर क्या क्या है, कैसा है, लेट्स गो। तो ये डोर्स हैं। तो जनाब ये है यहाँ का ओपरा हाउस, ये अंदर वुडन स्टाइल का बना हुआ है। ये भी बंद किया हुआ है इन्होंने, एजुकेशन सेंटर लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अभी ये बंद हुआ है। ऊपर भी काफ़ी सारे हैं, मेरी पुरानी वीडियो में मैंने कवर किया था हेलसिंकी की जो लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी, उसकी और इसकी अंदर से लुक काफ़ी सेम है, काफ़ी सिमिलर है। तो ये अब हम लोग यहाँ से ओपरा हाउस से निकले हैं और हम लोग जा रहे हैं कार की लोकेशन पे हमारी, वहाँ से कार पिक करेंगे और उसके बाद कैंपिंग साइट पे जाएंगे, ज़रा कैंप शैम्प लगा के देखेंगे। अभी थोड़ा मौसम खुल गया है, काफ़ी बारिश हुई थी, और उसके बाद फिर कैंप्स वगैरह लगाने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे आगे क्या करना है, क्योंकि शाम में हम लोगों ने यहाँ का जो एक फेमस पार्क है स्कल्पचर पार्क, उसमें भी जाना है। तो चलते हैं। ओस्लो सेंट्रल स्टेशन के बाहर ये इस तरह का एक शेर का इन्होंने मुजस्मा बनाया हुआ है मेटल का, ये सब तस्वीरें सीरे खींच रहे हैं। अच्छा, ये टाइगर जो है इसकी यहाँ पे ये थोड़ी सी हिस्ट्री लिखी हुई है कि ये जो था ये डोनेट किया था इन्होंने ओस्लो की 1000 साल पूरे होने की जुबली पे। अच्छा, ये है वॉकिंग स्ट्रीट यहाँ की ओस्लो सेंट्रल स्टेशन के पास ही, बिल्कुल ये निकलते के साथ ही यहाँ पे लेफ्ट पे सारी वॉकिंग स्ट्रीट है। और ये देखें कितना रश है यहाँ पे, काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं और पब्लिक का रश चेक करें आप। अच्छा, यहाँ पे वॉक करते करते हम लोग आ गए हैं, ये है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट, जो कि बिल्कुल ये जो है इनकी वॉकिंग स्ट्रीट जो है शॉपिंग स्ट्रीट उसके साथ कनेक्टेड है। तो ये है नॉर्वेजियन पार्लियामेंट और इधर जो है यहाँ पे कोई प्रोटेस्ट चल रहा है, तो देखें किस चीज़ को, ये यूक्रेन के लोग झंडे पकड़े हुए हैं, तो ये रशिया के अगेंस्ट कोई है, या ये सारा लिखा हुआ है कि ह्यूमन राइट्स वायलेशंस वगैरह जो हो रही हैं, ये देखें ये सारा लिखा हुआ है कि ये
ये पार्लियामेंट के सामने जो है, ये जो है इनके पुराने प्राइम मिनिस्टर हैं नॉर्वेजियन, योहान स्वर्ड्रूप, जो 1816 से 1892 तक थे यहाँ के प्राइम मिनिस्टर। ये खूबसूरत सा पार्क है, इसके साथ ही वॉकिंग स्ट्रीट के साथ ही ये देखिए, ये है जनाब नेशनल थिएटर यहाँ का, और ये यहाँ पे जो शोज़ हो रहे हैं उसकी डिटेल्स लिखी हुई हैं, इस तरह का है। ये थिएटर की साइड पे ये फ्लावर्स हैं, कितने खूबसूरत बनाए हुए हैं देखिए। ये वाली जो बिल्डिंग है ये तो बिब्लियोथेक है, मतलब लाइब्रेरी है, बिब्लियोथेक कहते हैं। और इस बिल्डिंग की मुझे इतनी डिटेल नहीं पता, लुक्स लाइक अ म्यूजियम और समथिंग। तो चलते हैं आगे मज़ीद। वो जो सामने जो हम वॉक कर रहे हैं, सामने जो है वो है रॉयल पैलेस, तो अभी हम उसी तरफ जाएंगे और आप लोगों को थोड़ा रॉयल पैलेस भी दिखाएंगे थोड़े करीब से, बादशाह का महल। और यहाँ से देखिए पीछे का व्यू चेक करें, पूरी स्ट्रीट आपको नजर आएगी वॉक करते हुए जहाँ से हम भी आए। ये जो मजस्मा है ऊपर, यह है कार्ल योहान का, जो कि नॉर्वे और स्वीडन का किंग था। तो इधर लिखा हुआ भी है प्लेट पे कि नॉर्वे एंड स्वीडन, स्वीडिश किंग, क्योंकि ये सब पहले स्वीडिश कॉलोनी हुआ करते थे, फिर एक एक करके टूटे हैं, तो इसलिए। ये है जी रॉयल गार्ड, जो कि ये रॉयल पैलेस के बाहर खड़े हुए हैं यहाँ के। और फिर हम निकले कैंपिंग साइट्स पे, जहाँ जाके सबसे पहले हमने चेक इन किया और फिर अपने अपने कैंप्स रेडी किए। और ये कैंपिंग साइट की लोकेशन चेक करें आप यार, कितनी खूबसूरत जगह है, पहाड़ी पहाड़। ये लग रहा है टेंट यहाँ पे, इमरान भाई लोगों का टेंट लग रहा है ये। बारिश यहाँ पे हो रही है मुसलसल, तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है काम करने में, लेकिन खैर एनीवे। और ये वाला जो टेंट है ये फराज भाई का रेडी हो चुका है, ये फराज भाई की गाड़ी है साथ में ही, और ये हारिस की गाड़ी है, और ये हारिस का टेंट है, दो बंदे और दो बच्चों के लिए। ये जनाब ये मेरी गाड़ी है, और ये छोटा सा मेरा टेंट है, दो लोगों के लिए छोटा टेंट काफ़ी है। और ये आ रहे हैं मसूद भाई लोग अपना बड़ा सा टेंट उठा के, इधर लगेगा ये टेंट, इधर लगाओ, इधर 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 थोड़ा सा और, इधर थोड़ा सा उधर, थोड़ा गैप रखना, रोटेट करो, रोटेट करो इसे, हां राइट साइड पे। अच्छा जी, तो ये टेंट वेंट तो लग रहे हैं चीजें, ये जरा थोड़ा सा आपको ये कैंपिंग साइट दिखाते हैं, काफी बड़ी कैंपिंग साइट है ये, ओस्लो में है ये। और ये देखिए यहाँ पे इन्होंने शावर के स्पेसेस बनाए हुए हैं बहुत सारे, और इस तरफ शावर स्पेसेस हैं, इस तरफ जो हैं ये जो हैं ये सारे टॉयलेट्स वगैरह हैं, बाथरूम्स वगैरह पब्लिक मतलब शेयरिंग में होते हैं सारे ऑफ कोर्स। ये जो है ये है आपका किचन, काफ़ी बड़ा किचन है, काफ़ी सारे स्टोव्स हैं इसमें इस तरह के, और इस तरह की वो डिश वॉशिंग की जगह है। यहाँ पे जो है ये कपड़े धोने की जगह है और पानी का है सिलसिला। इसके अलावा ये लेडीज़ डब्ल्यूसीज़ हैं। तो टॉप कैम नाम है इस जगह का, और काफ़ी अच्छी जगह है, लेकिन बस वेदर आज हमारे हक में नहीं है, बारिश हो रही है। खैर एनीवे, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, हम इसको भी इंजॉय करेंगे। कैंप शैम्प लगाने के बाद ज़रा भूख लग गई है, तो यहाँ किचन में ये दो मास्टर शेफ्स हैं जो इंतज़ार कर रहे हैं, मास्टर शेफ़ बुशी एंड मास्टर शेफ़ फरी।
शॉर्ट नेम्स। ओए होए 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 पांच किलो की बिरयानी। क्या क्या है, किस या रेसिपी बताएंगे इसकी थोड़ी? ओके फैम शिलो तो कैंपिंग साइट पे बिरयानी खाने को मिल जाए तो क्या बात है ना भाई, मज़ा आ जाएगा अभी थोड़ी देर में, बहुत मज़ा आने वाला है। और ये देखें, मैं थोड़ा सा भूत बना हुआ इस टाइम, लेकिन बारिश से बचने के लिए यही करना पड़ेगा। एक बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ हो रही है यहाँ पे कैंपिंग साइट पे, कि ये देखिए ये यहाँ पे गाना चल रहा है, ये बाथरूम में उर्दू में गाने चल रहे हैं फर्स्ट टाइम। और ये खाना खाकर और गर्मा गर्म चाय पीकर हम लोग निकले विजिलेंट स्कल्पचर पार्क। और ये भी हम लोग यहाँ ज़रा गाड़ी से उतरे, एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है यहाँ पे हमारे कैंपिंग साइट के पास ही, वो देखने के लिए। तो ये देखें जबरदस्त, होल ओस्लो क्या व्यू है। अभी हम विजिलेंट पार्क में इंटर हुए हैं और ये देखिए यहाँ पे लोगों ने ताले लगाए हुए हैं अपनी नाकाम मोहब्बतों की निशानियां। और ये देखिए ये सारा पानी बह रहा है, ये देखिए ये देखिए, आप मुझे इसमें चेक करें बस। एक आर्टिस्ट था विजिलेंट जिसने इन सबको डिज़ाइन किया था, तराशा था, और इसलिए इस पार्क का नाम विजिलेंट पार्क है। इसको स्कल्पचर पार्क भी कहते हैं। और ये देखिए इसमें डिटेल्स देखें, खूबसूरत, क्या प्यारे प्यारे व्यूज हैं, क्या मना दे रहे हैं। ये देखिए सामने सारा ओस्लो सेंटर नजर आ रहा है। शाहरुख खान की जो फिल्म थी बादशाह, उसका एक गाना था मोहब्बत की नहीं है मोहब्बत हो गई है, वो इस पार्क में पिक्चराइज हुआ है। तो आप लोग जाके उस गाने को सर्च करिएगा, देखिएगा, तो आपको ये पार्क उसमें भी देखने को मिलेगा। कितने प्यारे प्यारे स्कल्पचर्स हैं यहाँ पे, और वापसी आकर कुछ स्नैक्स ट्राई किए और बस फिर सोने की तैयारी करी। थकन के मारे इतनी अच्छी नींद आई कि सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। और बस फिर नाश्ता करके सब ने अपने अपने टेंट्स हटाए और फिर हमने आगे की तैयारी करी। Found you.